कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ग्वालियर में बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने चमककर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भले ही यात्रा को भारत जोड़ो नाम कांग्रेस ने दिया है, पर यह कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। और कोई आपको बता दें कि इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा नहीं होने का उन्होंने बात कही है। तो ग्वालियर में कांग्रेस यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए जयभान सिंह पवैया ने कहा कि भले ही यात्रा को भारत जोड़ो नाम कांग्रेस ने दिया है, पर यह कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। और पहले राहुल गांधी अपनी पार्टी को जोड़ देते तब भारत की सड़कों पर उतरते। कांग्रेस की हालत ऐसी है जैसे सर्कस लगता है। सब कहते हैं बाबूजी आपका ध्यान किधर है, सर्कस वाला इधर है। ये नाम कांग्रेस ने दिया है भारत जोड़ो, ये कोई जोड़ो बोड़ो यात्रा नहीं है। पहले कांग्रेस को जोड़ लेते, उसके बाद राहुल गांधी भारत की सड़कों पर निकलते। ये किसी चुके हुए सर्कस के लोग जैसे मेलों में आवाज लगाते हैं, आपका ध्यान किधर है, वो वाला सर्कस इधर है। लोग भूल गए हैं कि कांग्रेस नाम की कोई राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी।